सुना के पहले राउंड में हम कहा नहीं एक बार इसके चले तो तब करे बाद नहीं आप लोग चला भी नहीं है समय बड़ा अनमोल होते आप लोग इतना अनमोल कीमत दे के बैठा है यही सबसे बड़ा हमारे आप लोग भगवान है कभी ने लिखा तुम्हें कलम से मास्टर साहब आप बोला था सुनिए रोशन करे जो मरे जो अपन प्यो नाम कहावे भाई वही भाई बंदी को समझे जो मौके पिता मौत को भाई अरे बेटी वही जो कि कुल की मर्यादा रखे कहते तूफानी जग में नाम बिगड़े भाई बिगड़े बंधु बिगड़े नारे सब बिगड़े बैल बैल तो हरे ना तो बैल हमारे पास और कौन है सोलह मुठी के दादा के जमाने का कर ताले में नहीं जाए जब ट्रैक्टर वही जाते तो बर्दा से खेती देखा था कितना बढ़िया होता रहा कितना अच्छा पैदा भी होता रहा आज ट्रैक्टर देखा था पानी पूरा में चैनल खजुआवत की भागत फल है देखा भाई क्यों का ट्रैक्टर है तो नाराज जी हो बर्दा की खेती कुछ दूसरे इलाहाबाद साहब दास का हर जोते बा मास्टर साहब भाई साहब भैया भैया इससे बड़ा कलो हथियार का बतला था सुपारी खाया ठीक नाम नहीं ले तो दास न बताओ तो इतनी बात है बात को बात है ना राज न हो आप लोग अपने लोगों की बात है भैया हो हर जोते हमारे चाचा प्रधान है रमा शंकर मोतीलाल भाई जान थे वही यार फरवा के नीचे रही और कहा चौभिया रही है हमका बता तू ही तो फरवा में खा रहा है ले जाए नहरा नहरा ने ठुकवाई उकवाई इतना लंठ नहीं रही है जोते लागे मेरे काका थमा दे कहीं आओ यार का हराई तू हो जोते तो जब फान होने ले जोते जोते लागे तो काका हमारे चला जा छाहे हम हो थक जाए घाम लागे है तू अरउ रहे तो गते से फरवे लगा दे बाबा कहीं हम कहा बर्दाओ आराम करे का खब का हम बहु आराम करे अरे ये ना हम कहा हमने धोवाए के छोड़वाए के अपने चला नहीं हो के जूते के परे काम का प्रसाद दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं बिरहा देख रहा हूँ बाबू साहब कदम के टुकड़ा हाथ कहानी की शुरुआत बनने का गजब कर लेखनी रही
बारह सात दास के पेटी बजाए, तीस साल दादा के संगे बजाए, उनका लोग मास्टर ना कहे जल्दी कवि जी के खतर है। कहीं भी दादा का प्रोग्राम रहे, दादा मेरे कहे राम सुमेर हा महाराज कहे कहीं ही सबुआ जोड़ लेते हैं। वह जमाने के मास्टर साहब इंटर पास किए रहे। अरे मास्टर साहब तो का इतना जानकारी कैसे हो गया? कहा प्रेमचंद हम लाल जी लहरी के संगे देवी कहते रहे। ओ विरहा गाओ कहे तो हारमोनिया बजाओ रहे। ओ कक्षा सात में पढ़ते रहो तो हम पांच में पढ़त रहे। अब कहे नरकू उस्ताद कहे से जब विरहा आवे तो कहे सौ सौ छिनी रामायण मतलब गढ़वा आवे सौ सौ वाला। हम कहे तब कहे हम पढ़ी ना हम लिखाए रहे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में नाम हम चला जाए आनंद भवन में जो गढ़वा उठा रहे थे बस। गौर करी बाबू जी बल्कि हमसे कहा कह रहा प्रेमचंद हम यार हमारे रिश्ते दगाए बल्कि लोग कहा थे कहो तू जात के पटेल हो कि कैसे भी रहा कमाई में चला है। इतना मास्टर हम से कहे उनका लेखनी रहा है उनकी लिखी आपके चरणों में गीत दास कह रहा है कभी कभी लिखनी तुम्हारी गीत का कि अरे आदमी से ए बाबू अरे आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए। वाल्मीकि महाराज का देन है और संस्कृत में लिख दे रहा कि दौड़े के ऊपर ही ना बाबा केवल बड़मनई भर पढ़े बस और का समझे थे। लेकिन तुलसीदास अनुवाद हिंदी में कर दे है जो नहीं है तेरा चक्कर है हिंच के गठिया पहन के ठहर है और का समझे थे। सुने वाले बाबू विरहा के भाव कभी लिखे धमका नहीं है। आप करणावली समाज के सम्मानित सेवा में श्रीमान डॉक्टर भारत लाल पृथ्वीपुर के धरती से आप डॉक्टर साहब जी के चरणों में प्रांगण सेवक अपना मां पुरस्कार करके सम्मान के आप भगवान के दूसरे स्वरूप है कभी लिखे थे भाव आ साहब का कहानी तीन भाई की हकीकत सुनाता हूँ खास चरण की एक बात मैं बताता हूँ। गरीबी थी हमारे छोटा भाई अंधा था घर में काम करने काम कोई धंधा था कहीं तो वाली पिता अंत बाबू कहा हुआ छोटा मन का सूर्य ना हुआ जयपुर डिस्ट्रिक्ट गठवा सदर के बात या सुने वाले बाबू मध्य प्रदेश प्रांत की बात है। तीन लड़का बताओ तो बड़े वाले लड़का का नाम विनोद मझले वाले लड़का का नाम राहुल है जो छोटका रहा मास्टर साहब उसका ऐसा से ज्योति दोनों आखी अंधा रहा बेचारा उसका नाम लोग सूरदास 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 नाम जब पढ़ लिया बाबू की उम्र सत्तर व माई की उम्र पैंसठ साल दोनों लड़के के देते देते माई और बाबू ब्याह कर गए विनोद को राहुल सूरदास बेचारा तो शादी नहीं हुआ इसलिए कि दोनों आपका अंधा है परिवार चलता एक दिन माई और बाबू दोनों जने दोनों लड़कियां क्यों बुलाए कहे बेटवा विनोद बेटवा राहुल हाँ बाबू जी
कहे बेटा देखो हम तुम्हें पुरानी पका आम है, आज महत्व काल दुनिया झेल के चला जाए, लेकिन एक चीज के